ऑप्शन आपको दिखता है उसमें कुछ प्रश्न मुझ तक प्राइवेटली डॉक्टर विशाल साड़ा नाम से आपको जो नाम दिख रहा है उस पे आप पहुंचा सकते हैं। आपके प्रश्न हम लाउटी सर तक पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे। आज हम YouTube पे भी लाइव है, इसीलिए ये बहुत जरूरी बनता है कि आप अपने हाथ से अपना वीडियो ऑफ रखें, क्योंकि ये स्ट्रीम होके पूरे भारतवर्ष में देखा जाएगा। धन्यवाद। भाई गोविंद जी चल गए। जय मेरे साथियों, सभी को आवाज आ रही है? बढ़िया। बोले महेश भगवान की जय। जैसे भी विशाल भाई ने बताया, बहुत ही कम समय में आपने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया है। लॉकडाउन की विपदा स्थिति में भी आपने जो हमें सहयोग दिया है, जो सरकारें किया है, इसके लिए हम आपके सभी के बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। मैं डॉक्टर गोविंद मंत्री, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन के और से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमें जो वक्ता मिले हैं, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोफेसर रमेश चंद्र जी लाउटी सर, हमारे सभापति जी आदरणीय श्याम जी सोनी जी, युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजकुमार जी कालिया और प्रदेश सभा के श्रीकांत जी वंसाई सर, इन सभी का मैं शब्द सुमन से स्वागत करता हूँ। और आगे कार्रवाई के लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई हार्दिक जी से निवेदन करता हूँ, अगली आवाज भाई हार्दिक जी सारडा की। जय महेश। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के अध्यक्ष सभापति जी श्याम जी सोनी जी, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी संगठन के अध्यक्ष राजकुमार भैया कालिया जी, महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्री किशन काका जी, इनके श्याम अंकल ने बहुत ही कम समय में हमें विश्व के महेश्वरी समाज के लीजेंड हमारे पितामह श्री रमेश काका जी लाहोटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको सुनने के महाराष्ट्र प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर हमें जो संधि दी, इसलिए मैं अखिल भारतवर्षीय महासभा का महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी युवा संगठन के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम इसके आगे और एक बड़ा काम आपके यहां घोषणा करने जा रहे हैं। 2 तारीख को श्री राम मंदिर ट्रस्ट के खजींदार राष्ट्र संत श्री किशोर जी व्यास गोविंद गिरी जी स्वामी जी, इनका 2 तारीख को दोपहर 4:30 से 5:30 कोविड में अपना क्या कर्तव्य है इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय गोविंद गिरी जी स्वामी जी अपने को मार्गदर्शन करने आएंगे। सभी समाज को नम्र निवेदन है कि आप उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद सुनिए, महाराष्ट्र प्रदेश के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। पुनश्च श्याम अंकल जी का, राजकुमार जी का, श्री किशन अंकल का, आप सभी समाज बंधुओं का और विशेषता रमेश अंकल जी को प्रणाम करता हूं और आगे का आवाज राजकुमार भैया को बोलता हूं। धन्यवाद भाई हार्दिक जी। अब मैं मार्गदर्शन करने बुलाना चाहूंगा महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन जी काका बंसाली जी को। जय महेश। आज जो प्रमुख वक्ता है रमेश चंद्र जी लाहोटी तथा सभापति आदरणीय श्याम सुंदर जी सोनी, इन दोनों को प्रणाम करते हुए मैं महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि एक लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने जो महाराष्ट्र प्रदेश के युवा तथा बुजुर्गों के लिए डिजिटल फोरम के मार्फत जो नया काम किया और लोगों को इसकी सब मालूमात दी, लोगों को प्रशिक्षित किया, इसमें कोरोना रहो, आर्थिक रहो या सामाजिक रहो, सब विषय पे जो उन्होंने कार्यक्रम लिए, इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष युवा संगठन के अध्यक्ष हार्दिक जी सारडा, राजकुमार जी काले अखिल भारतीय अध्यक्ष तथा गोविंद जी लाहोटी सेक्रेटरी और डॉक्टर विशाल सारडा और उनके पूरे टीम का मैं अभिनंदन करता हूं और खासकर श्याम सुंदर जी सोनी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनको बोलने के बाद सेकंड डे उन्होंने लाहोटी साहब का हमारे को
कार्यक्रम लेके दिया, उसलिए महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भंसाली काका जी। अब मैं हमें मार्गदर्शन करने तो बुलाना चाहूंगा अखिल भारत वर्षीय महेश्वर युवा संगठन के युवा अध्यक्ष भाई राजकुमार जी कालिया। इनको भाई राजकुमार जी, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा की प्रेरणा से महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी युवा संगठन के द्वारा आज जो चिंता और चिंतन विषय पर भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीमान आरसी लाहोटी साहब को मार्गदर्शन हेतु बुलाया और वो पधारे हैं, निश्चित ही इस विषय पर उनसे हमें काफी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आदरणीय सभापति महोदय से जानकारी मिली थी कि आरसी लाहोटी साहब को वो एक दिन हमसे रूबरू होने के लिए बुलाना चाहते थे, और जैसे ही उनसे हमने अप्रोच की हार्दिक जी ने और प्रदेश सभा अध्यक्ष जी ने, तो उन्होंने तुरंत ही इस फोरम में उनको आग्रह किया और दो दिन में ही उनको यहाँ पर मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित कर और उनसे रूबरू कराया। इसके लिए मैं आदरणीय सभापति महोदय का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों और समाज बंधुओं, इस विपदा की घड़ी में निश्चित ही महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी युवा संगठन की टीम ने इस फोरम के माध्यम से जो वक्ताओं को बुला के हमें सीखने और समझने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसा हार्दिक जी ने बताया कि 2 तारीख को गोविंद गिरी जी महाराज जी हमसे रूबरू होंगे, मैं इसके लिए भी श्याम जी सोनी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और निश्चित ही इन महानुभावों से हमको सीखने समझने को मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा, और इस विपदा की घड़ी से उभर कर जल्द ही हम आगे और उत्तर प्रगति की ओर बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय महोदय। धन्यवाद ऊर्जावान अध्यक्ष अभय राजकुमार जी। अब मैं आखिर में हमें मार्गदर्शन करने हेतु बुलाऊंगा अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के सभापति जी श्रीमान आदरणीय श्याम जी सोनी। इनको जय श्री कृष्णा, जय महेश। कोरोना की महामारी के कारण करीब 40 दिन के लॉकडाउन में सारे विश्वव्यापी लोग हैं। ऐसे समय पर हमारे युवा संगठन और महिला संगठन ने समाज के युवाओं की महिलाओं की गुणवत्ता में किस तरह का सुधार हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, टेक्नोलॉजी के प्रति उन्हें आकर्षित किया और आगे के जमाने में अब जीवन कैसा होगा उसकी तरफ सभी को आकर्षित किया। मुझे खुशी है कि आज इस फोरम में जिन्हें हमेशा सुनना सभी देशवासियों का सौभाग्य होता है, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय लाहोटी साहब को आज हम सब सुन सकेंगे। और देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर के महेश्वरी समाज के लोग आज अपने मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं। मुझे ये भी कहा गया कि लाहोटी साहब का परिचय भी मैं दूं। मेरे पास कोई ऐसा शब्दकोश नहीं है जिसमें मैं लाहोटी साहब का परिचय दे सकूं, और मैं समझता हूं एक ही शब्द से ये बात कह सकता हूं कि आज जब सारा विश्व चिंता और चिंतन में लगा हुआ है कि कैसे कोरोना के बाद में हमारी जिंदगी होगी, ऐसे समय में महेश्वरी समाज के एक सरस्वती पुत्र के वाणी से हमें ये सारी बात सुनने को मिलेगी। मैं इसके बाद में बिना कोई एक क्षण भी गंवाए लाहोटी साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमारे को मार्गदर्शित करें। आदरणीय लाहोटी साहब। समाज के सभी बंधुओं को, उनके सभी पदाधिकारी, ये तो उनकी विनम्रता है कि वे मुझे सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। महेश्वरी महासभा के अध्यक्ष भाई श्याम जी सोनी और हमारे युवा साथी, इन सभी का मैं आभार ज्ञापित करता हूं और उन्हें अपना विनम्र निवेदन करता हूं। बंधुओं, आज हम जिस समय चर्चा करने बैठे हैं संवाद करने के लिए, उस समय हमारे आसपास एक संशय और संदेह का वातावरण व्याप्त है। हमें मालूम नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। अगले क्षण
कौन संक्रमित हो जाएगा या संक्रमित होने का पता चलेगा और पुलिस और एम्बुलेंस उसे लेने आ जाएगी और जाकर उसे क्वारंटाइन कर देगी, उसकी जांच शुरू हो जाएगी। हमें नहीं मालूम कि हमारे पास में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उससे हम कितनी दूरी पर बैठे हैं, भले वे हमारे से उसकी कितनी निकटता क्यों ना हो। क्यों? संशय यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोरोना से संक्रमित हो, लक्षण तो 14 दिन बाद पता चलेंगे, तब तक तो मैं भी संक्रमित हो जाऊंगा, और यही संशय उसके मन में भी है। ये जो वातावरण आज बना है, इस पर मुझे एक बड़ा वक्त पर जो एक मौजू कुछ शेर है मुझे याद आता है कि कोई तो जुर्म है जिसमें सभी शामिल हैं, कोई तो जुर्म है जिसमें सभी शामिल हैं, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए घूम रहा है। हर शख्स मुंह छुपा के घूम रहा है। एक बैंक के पदाधिकारी कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारी है, अब जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कोई व्यक्ति बैंक में प्रवेश करेगा तो ये कहना कठिन होगा कि ये व्यक्ति हमारा ग्राहक है या कोई डाकू है। समय के फेर ने हमें आज उस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है। फिर भी मैं दो बातों के लिए कृतज्ञ हूं। एक तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसने हमें ऐसे साधन दिए हैं कि भौतिक दूरी होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से ठीक उस तरह संवाद कर रहे हैं जैसे हम आमने सामने बैठे हों। ये संवाद की निकटता, ये विचार विमर्श का साधन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देन है, उसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आज के विज्ञान की। दूसरा, मैं आप सभी बंधुओं का, विशेषकर महाराष्ट्र महर्षि प्रदेश सभा का, उसके पदाधिकारियों का हृदय से आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि जब सब चिंता से ग्रस्त हैं, आप चिंतन में व्यस्त हैं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं, आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और विचारों का आदान प्रदान जब किया जाता है तो कोई ना कोई समाधान समस्या का अवश्य निकलता है। बंधुओं, मैं रामचरितमानस की एक चौपाई से अपनी आज की बात प्रारंभ करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि विपत्ति के सात साथी हैं, सात। ये सात साथी आपका यदि साथ न छोड़ें या आप इनका साथ न छोड़ें तो विपत्ति पर आप विजय पा सकते हैं। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सत्यव्रत राम भरोसो एक। ये सात बातें हैं। तुलसीदास जी की इस चौपाई के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि क्रम से चलिए, विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सत्यव्रत हो की यात्रा करते हुए भगवान राम के चरणों में पहुंचिए, एक। और दूसरा ये कि राम भरोसो एक, यदि विद्या आपका साथ छोड़ दे, विनय साथ छोड़ दे, विवेक साथ छोड़ दे, आप दिग्भ्रमित हैं, संशय और संदेह से पीड़ित हैं, आपका साहस आपका सुकृत और आपका सत्यव्रत भी जवाब दे रहा है, तो राम का भरोसा मत छोड़िए। वो एक ही पर्याप्त है आपको विपत्ति से निदान दिलाने के लिए। भगवान राम मेरे आराध्य हैं, मैं प्रभु श्री राम और माता जानकी का पुण्य स्मरण करता हूँ, उनके चरणों में दंडवत करता हूँ और अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां चिंता से नहीं, चिंतन से और प्रयत्न करने से समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। हर चुनौती पर हम विजय नहीं पा सकते,
पर विजय पाने की दिशा में प्रयास तो कर सकते हैं। कई चुनौतियां, कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम एकाकी अकेले उनका समाधान नहीं कर सकते, समाधान करना हमारे हाथ में भी नहीं है, पर समाधान में सहयोग तो कर सकते हैं। यदि हम समाधान नहीं कर सकते और समाधान में सहयोग नहीं कर सकते तो इसके दोषी हम हैं। किसी दूसरे पर दोष डालने की या समस्या से निवृत्ति ना हो तो उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। बंधुओं, विपदाएं आती हैं और चली जाती हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारी जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी से हम संबंध रखते हैं, और हमारे युवा जन हैं, कम से कम हमारी आधी पीढ़ी, आधी उम्र तो उन्हें देख ली है, 35-40 वर्ष की आयु को पहुंच गए हैं। हम लोग 75-80-85 आयु में चल रहे हैं। आधी साझेदारी तो हमारी उनसे है। हमारी पीढ़ी को मैं तपी हुई पीढ़ी क्यों कहता हूं कि जो व्यक्ति जितनी ठोकरें झेलता है उतना ही सबल और सक्षम होता चला जाता है। मेरी उम्र के व्यक्तियों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा देखा है, कितना रक्तपात हुआ, हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ, ये समय नहीं उसकी चर्चा करने का, पर घटना के रूप में हमने भारत का विभाजन देखा। 60 के दशक में हमने पाक और चीन से युद्ध देखे। 70 के दशक में हमने 19 माह का आपातकाल देखा। तदनंतर हमने सार्स देखा, इबोला, स्वाइन फ्लू, HIV एड्स, सुनामी, ये जितने बड़े बड़े रोग आए, जब ये रोग आए थे तब ये भी हमको ऐसे ही भयंकर लगते थे जैसे आज हमें कोरोना लग रहा है। परंतु ये सारे पार्टीशन, युद्ध, आपातकाल, सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लू, HIV एड्स जैसी बीमारियां जिनका आज तक कोई पूरी तरह समाधान नहीं निकला है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए भारतवासियों का, तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मैं इस बात को पुष्ट करता हूं दो दृष्टिकोण से। पहली बात, सांसारिक दृष्टिकोण से कहूं तो भारतवासियों का इम्यूनिटी लेवल बहुत ऊंचा है। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूं, हम लोग तेजाब से घुली हवा में सांस लेते हैं, हम लोग वो पानी पीते हैं जो जहरीला है, हम लोग वो भोजन करते हैं, वो फल और सब्जियां खाते हैं जिसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं, अदरक को साफ करने के लिए और उसका मूल्य बढ़ाने के लिए व्यापारी एसिड से अदरक को साफ करता है। हरी सब्जियां और हरी दिखें, उन पर हरा रंग छिड़का जाता है, इसलिए हमारा इम्यूनाइजेशन लेवल, इम्यूनिटी लेवल बहुत ऊंचा है हर भारतवासी का। एक आध्यात्मिक रूप से हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है कि युद्ध भी लड़ो तो हमारा लड़ा हुआ युद्ध भी धर्म युद्ध कहलाता है। हम युद्ध में भी धर्म का परित्याग नहीं करते। तीसरी बात, हमारा नेतृत्व सक्षम है, उसके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है। चौथी बात, मुझे कुछ मिस्टिक साइंसेज में रुचि है। मिस्टिक साइंसेज जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, मैं इन दिनों ऐसे कई लोगों से के संदेश या उनके सूचनाएं मुझे मिलती रहती हैं। वे सब एक बात कहते हैं, सब लोग, थोड़ा समय का हेर फेर हो सकता है, वो ये कहते हैं कि 28 से 30 मई के बीच कोरोना अपना बिस्तरा समेटना शुरू कर देगा भारतवर्ष से, एक, और
सितंबर से दिसंबर तक के अलग अलग समय अलग अलग गणना पद्धति से बताए जाते हैं कि सितंबर से दिसंबर के बीच में वो समय आएगा जब भारतवर्ष कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो यदि हमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में विश्वास है तो हमारा देश इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। तब तक हमें सतर्कता के साथ रहने की आवश्यकता है, इसलिए हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये ठीक है। देखिए कई लोग कहते हैं साहब देखिए कितनी मौत हो रही है। एक मेरे मित्र ने जानकार व्यक्ति उसमें जानकारी दी कि यहाँ हमारे निकट जो एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है, विद्युत शवदाह गृह, उसका रखवाला कहता है कि जहां पिछले महीने का औसत 200 व्यक्ति प्रति मास आने का था विद्युत शवदाह गृह में, पिछले महीने केवल 120 आए। अर्थात विद्युत शवदाह गृह में मृतकों की आने वाली संख्या कोरोना के बाद कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? इसलिए कम हो गई है कि उम्र के कारण, रोग के कारण तो लोगों की मृत्यु होती है, पर एक्सीडेंट से मृत्यु होना बंद हो गई। पानी में डूब के कोई नहीं मरता, आत्महत्या करके कोई नहीं मरता, बीपी, हार्ट अटैक, इन बीमारियों को कारण मृत्यु होना बंद हो गई है। तो 200 व्यक्ति जहां शवदाह गृह में आते थे उसमें अब केवल 120 आते हैं। तो ये हम कोरोना की शिकायत करें, कोरोना को शत्रु माने या उसे हम अपना मित्र माने, ओवरऑल डेथ रेट कम हो गई है। पांचवी बात, कोरोना प्रकृति का दंड है। प्रकृति कोरोना के माध्यम से हमारे प्रति अपना रोष व्यक्त कर रही है, किंतु वो कितना भी रोष किसी को व्यक्त कर ले, भारतवर्ष के प्रति उसके मन में, प्रकृति के मन में दया रहेगी। क्यों? इसलिए हम भारतवासी सदैव प्रकृति के मित्र रहे हैं। न केवल मित्र रहे हैं बल्कि हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। अपने घर के बड़े बूढ़ों से, माताओं बहनों से पूछिए, हम तो वृक्ष की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, समंदर की पूजा करते हैं, गाय घोड़ी की पूजा करते हैं। विवाह करना हो तो घोड़ी की पूजा के बगैर वर घोड़ी से नीचे नहीं उतरता, पाणी ग्रहण कैसे होगा। हम सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, और तो और नाग पंचमी पर हम सांप को भी दूध पिलाते हैं। हमसे बड़ा प्रकृति का पोषक कौन होगा? इसलिए प्रकृति हमारी मित्र है, और प्रकृति रुष्ट भी है तब भी वो उसके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव रखेगी जिसने उसे सदैव आदर की दृष्टि से देखा है और उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया है। बंधुओं, यदि पांच कारणों से यदि आप संतुष्ट हैं कि ये पांच कारण हैं जिनके कारण थोड़ी बहुत क्षति तो हमें उठाना पड़ेगी, और क्यों उठाना पड़ेगी उसका कारण ही बताऊंगा, किंतु कोई बहुत बड़ा नुकसान कोरोना से भारत, भारतवासी और ऐसा समाज जो सभ्रांत सुसंस्कृत समाज है, सन्मार्ग पर चलने वाला समाज है, उसकी कोई विशेष हानि होने वाली नहीं है। उसका कारण यह है, तुलसीदास जी की जो चौपाई मैंने आज आपको प्रारंभ में कही उसमें आप देखिए कि जो महर्षि समाज है विद्या का आदर करता है, विनयावनत समाज है विवेक से काम करता है, साहसी समाज है सुकृत करता है। आज कोरोना के समय में महर्षि समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग कितने काम कर रहे हैं, और सत्य व्रत सत्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर का भरोसा रखता है। आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी आ रही है, करेक्ट। अच्छा ठीक,
अब ये मैंने आपको बताया कुछ सकारात्मक पक्ष मैंने आपके सामने रखे। क्या कोरोना से भयभीत होने की आवश्यकता है? मुझे मिर्जा गालिब के प्रति क्षमा याचना के साथ उनका एक मुक्तक थोड़े संशोधन के साथ आपके सामने पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा और उसमें थोड़ा संशोधन मैंने किया है। वे कहते हैं कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख अपने रब पर, रब यानी ईश्वर। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख अपने रब पर, जब खुशी ही न ठहरी न ठहर पाई तो गम की क्या औकात है, अरे ये भी एक सौगात है। विपत्ति का समय आता है वो भी चला जाएगा, पर यदि हम उसका विश्लेषण करें, चिंतन करें जैसे कि हम आज कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि इसमें भी एक संदेश है, ये भी एक उपहार है जिसे हमको ग्रहण करना चाहिए। रहीम दास जी ने लिखा कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। थोड़े दिन विपत्ति आना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए आना चाहिए। जब विपत्ति आती है तो कौन हमारा हितेशी है, कौन हमारा नुकसान चाहता है, ये प्रकट हो जाता है। कौन है जो आज संकट की घड़ी में इस देश को उबार करके आगे ले जाना चाहता है, और कौन लोग हैं जो उनके प्रयासों में भी उलझन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और बजाय इसके कि समस्या का समाधान में अपना योगदान दे सके, उसमें रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस विपत्ति का आकार और बड़ा हो जाए। बंधुओं, सबसे पहली बात जो विपत्ति के समय हमको जिसका परित्याग नहीं करना चाहिए वो है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में जिसे शब्द दिया विवेक और साहस, विवेक और साहस मिलकर के पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रुख हमको देते हैं, हमें सकारात्मकता की ओर प्रेरित करते हैं। मैं एक विनोद की बात कहूं, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सकारात्मकता क्या होती है, तो मैं ये इस बात को कहता हूं कि तुम हमसे दूध मांगो हम तुम्हें खीर देंगे, तुम हमसे दूध मांगो हम तुम्हें खीर देंगे, अगर दूध फट गया तो हम तुम्हें पनीर देंगे। इसे कहते हैं सकारात्मकता। नेगेटिविटी के लिए तो कोई स्कोप है ही नहीं। दूध अच्छा है तो खीर, फट गया तो पनीर, नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं। अब उन बातों को देखिए जिनके कारण हम कह सकते हैं कि कोरोना ने हमें क्या दिया, यानी कोरोना ने, विपत्ति ने भी हमें क्या संपत्ति दी, विपत्ति ने भी हमें संपत्ति दी। देखिए क्या, पहली बात, हमको आज इस विपत्ति के समय में पता चला, जो 6 साल में भी पूरी तरह पता नहीं चला था, कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस देश को सफल नेतृत्व दे सकता है, संकट की घड़ी में हम उसका विश्वास कर सकते हैं, और न केवल वो हमें नेतृत्व दे सकता है बल्कि उसमें क्षमता है कि वो केवल हमारे देश को नहीं संपूर्ण विश्व को भी आवश्यकता हो तो नेतृत्व दे सके। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भारत विश्वगुरु था, क्या भारत कहीं विश्वगुरु बनेगा? बनेगा, इसी बनेगा कि यदि हम विश्व को नेतृत्व करने वाला एक नेता दे सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा संकेत है कि भारतवर्ष के विश्वगुरु बनने की दिशा में एक कदम उठ चुका है, और ये कभी ना उठता यदि कोरोना ना आया होता। दूसरी बात,
हमारे देश के नेता को इस बात का विश्वास हुआ है और इस कारण उनका आत्मविश्वास जगा है कि पूरा देश उनकी आवाज सुनता है और मानता है, पालन करता है। अब तक उन्होंने 5 बार इस संदर्भ में लगभग 5 बार हमारे देश को संबोधित किया है। हर बार देश के 125 करोड़ नागरिकों ने उनकी बात मानी। उन्होंने कहा ताली और घंटी बजाइए डॉट 5:01 पहले थाली और घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को 9:09 मोमबत्ती और दिया जलाइए, तो दीपावली भी फीकी पड़ गई, इतने दिए और मोमबत्तियां जली। उनकी आवाज इस देश ये देश सुनता है और इसलिए जिसमें देश को नेतृत्व देने की क्षमता है उसका आत्मविश्वास हम देशवासियों ने बढ़ाया है। तीसरी बात, हम भारतवासियों ने इस बात का प्रमाण दे दिया कि हमारे वैसे चाहे जितने विरोध हों पर संकट की घड़ी में हम एक हैं, संपूर्ण भारत एक है। और यदि हमें हमारे नेता की सदाशयता का प्रति विश्वास है तो संकट की घड़ी में हम एक होकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आवाज दो, हम एक हैं। चौथी बात, उन लोगों की पहचान हो गई जिनका काम केवल आलोचना करना और छिद्रान्वेषण करना है। बिना किसी का नाम लिए मैं कहना चाहता हूं, एक समय था जब चर्चा चलती थी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। उस समय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो 8-9 लोगों की सूची आती थी टीवी के चैट शो में, सबके चेहरे दिखाए जाते थे कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। आप कल्पना कीजिए आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है उसकी बजाय कोई और होता तो क्या हुआ होता। उन लोगों की पहचान हो गई जो केवल आलोचना करना जानते हैं, हर बात का विरोध करते हैं और संकीर्ण चिंतन से ऊपर उठ नहीं पाते। पांचवी बात, हमने कुछ बेशकीमती सबक सीखे हैं, उसकी चर्चा मैं भी करता हूं, पर सबसे बड़ा सबक हमने सीखा है कि प्रकृति की भी अत्याचार सहन करने की एक सीमा होती है। हमारे यहां परमेश्वर को परम पुरुष और प्रकृति को महाशक्ति कहा गया है। हमारे परम पुरुष परमेश्वर की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति पर हम कितने अत्याचार करते हैं। मैं देखिए ये कोरोना कहां से शुरू हुआ, अब तो सबके ज्ञान में कोरोना कहां से शुरू हुआ। वुहान का वो मीट मार्केट जहां पर मांस बिकता है और खरीदा जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, आपने देखी होंगी। मैं तो आपको सुना सकता हूं पर मैं आपको विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, मैं सुना नहीं सकता। यदि मैंने सुना दिया तो आज आपको शाम को आप भोजन नहीं कर पाएंगे। क्रूरता की एक सीमा होती है। जो लोग मांसाहार करते हैं, सामिश भोजन लेते हैं, वो भी मृत पशु का मांस ग्रहण करते हैं। पशु कहीं और मारा जाता है और उसका मांस खरीद कर लाते हैं, बाजार से खाते हैं। पर वुहान में जिंदा पशु खाया जाता है, जीवित पशु। सांप का सूप, चमगादड़ पेंगुइन का सूप, हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन में भोजन को सुगंधित बनाने के लिए उसमें केसर, इलायची और बड़ी इलायची का प्रयोग करते हैं। चाइना में जो हार लिया जाता है उसको सुगंधित बनाने के लिए झिंगूर का प्रयोग किया जाता है, काकरोच का प्रयोग किया जाता है। वहां काकरोच एक खेती होती है। ऐसी फैक्ट्रियां हैं
जिनमें लाखों की संख्या में कॉकरोच पैदा किए जाते हैं। क्यों पैदा किए जाते हैं? और मैंने देखा कि वहां का जो व्यापारी उनका उत्पादक वो जिंदा कॉकरोच को उठा उठा करके सूंघ रहा था, और वो दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन से किसका कॉकरोच भोजन को ज्यादा सुगंधित बनाता है। इतना ही पर्याप्त है, मैं इससे आगे की कुछ बातें आपको नहीं बताऊंगा। वे लोग जीवित पशु के मांस का भोजन करते हैं, और अमेरिका में जहां जहां से ये कोरोना फैला है, अमेरिका में जो मेरे कुछ मित्र परिचित रहते हैं, मैंने उनसे पूछा, बातचीत की, उनने ये बताया कि चाइना के निवासियों ने अमेरिका में अनेक स्थानों पर जमीन मकान खरीद लिए हैं, वहां रहना शुरू कर दिया और उनकी बस्तियां बन गई, और उन बस्तियों में जो मांस विक्रय के केंद्र हैं, बाजार हैं, उनमें भी मांस इसी प्रकार बेचा जाता है, जीवित पशु। अब कोई सीमा है? सभ्यता का विकास होते होते ये हुआ। एक समय था आज से कोई 10-20 हजार वर्ष पूर्व, जब मनुष्य भी अपना भोजन पशुओं को मार करके करता था, शिकार करके करता था। धीरे धीरे प्रकृति ने हमको फल दिए, पौधे दिए, फसल दी, नाज दिया। हम लोगों ने शने शने पशु का मांस का परित्याग कर दिया, हम भोजन करने लगे, शाकाहारी भोजन करने लगे। आज बहुसंख्यक आबादी शाकाहारी है, कुछ लोग हैं जो मांसाहार करते हैं। मैं उन्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। देखिए, मैं किसी की आलोचना करने मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु मैं संकेत देना चाहता हूं, और विशेषकर हमारे समाज के कुछ नेता जो हमारे समाज को बड़ा कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं, मेरी चर्चा को सुन रहे होंगे। हमारे समाज में भी मांसाहार की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही, प्रवेश ले लिया उसने, बढ़ रही। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि किसी पशु को छूने से कोई संक्रमण नहीं आता, किंतु जो लोग पशुओं का मांस ग्रहण करते हैं, उनके शरीर में मांस पशुओं के मांस के माध्यम से ऐसे प्रोटीन आते हैं जो इन वायरस का प्रमोशन करते हैं, इन वायरस को सुरक्षित रखते हैं। और इसीलिए ये दावा अधिकृत तो नहीं है, किंतु ऐसी चर्चा है, इससे मैं अधिकृत इसे नहीं कहूंगा, किंतु ये बताया गया है कि कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही है उसमें शाकाहारियों की संख्या न्यूनतम है। शाकाहारी व्यक्तियों पर कोरोना संक्रमण नहीं कर रहा है, ऐसी एक चर्चा है, और इस चर्चा के पीछे कोई आधार है। तो मैं थोड़ा विषयांतर तो होगा, किंतु मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मांसाहार करते हैं या जो लोग मांसाहार का शौक धीरे धीरे पनपा रहे हैं, वे मांसाहार का परित्याग कर दें। ऐसा कर देना उनके हित में भी है और उन पशुओं के हित में भी है जिनका मांस वो ग्रहण करते हैं, और उनके भोजन के लिए उन पशुओं की हत्या की जाती है, उन पर थोड़ी करुणा, कुछ दया करें। इतनी बात कह करके मैं अब फिर पूर्व के विषय पर आता हूं। छठा लाभ हमको कोरोना का ये हुआ है कि प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। दिल्ली में जो यमुना बहती हैं, इनका पानी इतना काला होता था कि जैसे किसी ने काला रंग घोल दिया हो, कोई व्यक्ति उस पानी को छूना नहीं चाहता था। आज एक महीने के समय में वही यमुना ऐसी बह रही है कि आप उस यमुना की तलेटी में पड़े हुए पत्थरों की गिनती कर सकते हैं, इतना पारदर्शी जल यमुना का हो गया है। गंगा के शुद्धिकरण के लिए हमारी सरकार ने करोड़ों खर्च कर दिए, गंगा शुद्ध नहीं कर पाए। हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है जिसका काम ही है, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका काम भी यही है। मैंने एक दिन इनके एक एक किसी पदाधिकारी
और एक ग्रीन ट्रिब्यूनल के भूतपूर्व सदस्य हैं, मैंने उनसे पूछ लिया, महाशय फैक्ट्रियों से नाले केमिकल्स के रंगों के गंदगी के सीधे सीधे गंगा में गिर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए? आप इन्हें बंद क्यों नहीं करते? कोई उत्तर नहीं उनके पास। करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च कर दिया, आज आप देखिए फैक्ट्रियां बंद हो गई कोरोना के कारण, गंगा का पानी शुद्ध हो गया। कोई भी गंगा जहां से निकल के जाती है, गंगा के आसपास रहने वाले लोग गंगा को देख लें, उसका जल भी इतना शुद्ध हो गया है कि देखने में आनंद आता है। किया जा सकता है पर करने का प्रयत्न, आज कोरोना ने ये बता दिया कि नदियों के जल के शुद्धिकरण के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया, वरना गंगा यमुना का जल शुद्ध हो जाता है। सातवां, हमारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य कर्मी, मैं आज उनको प्रणाम करता हूं, वे जिनकी हम हमेशा आलोचना करते हैं, आज हम उन्हीं का आश्रित हैं और वे देश की जैसी सेवा कर रहे हैं हम नहीं कर सकते। वे स्तुति के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं और स्थान स्थान पर उनका सम्मान हो भी रहा है। कुछ गलत फहमियां हमारी दूर हो गई हैं। जिंदगी ने कुछ सबक हमको ऐसे सिखा दिए हैं जो अनमोल हैं। मैंने अभी कुछ 6-7 दिन पहले मारवाड़ी समाज के मंच पर इसे मिले जुले विषय पर कोरोना केंद्र रखते हुए एक संवाद दिया था। यदि समय हो तो संवाद को आप सुनने की कृपा करें, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि यदि मेरा संवाद 2 अध्याय में है तो पहला अध्याय वो था जो मैंने मारवाड़ी मंच के आग्रह पर प्रसारित किया था, और दूसरा अध्याय आज का है। उसके साथ इसे सुनेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। जिंदगी ने हमें सबक सिखाए हैं और ये बात मैंने वहां भी कही थी। मेरा कुछ पढ़ने का शौक है, पढ़ता हूँ, कुछ सत्संग का मेरा शौक है, अच्छे विद्वानों को सुनता हूँ, उनसे चर्चा करने का अवसर मिलता है, और कुछ मेरी अंदर अंदर मैं कुछ चिंतन करता रहता हूँ। और यदि आप जिस आशा के साथ मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात का यदि विश्वास आप करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे अध्ययन सत्संग विचारों के आदान प्रदान और चिंतन का सार ये है कि संपूर्ण विश्व में भारतीय जीवन पद्धति से श्रेष्ठ कोई जीवन पद्धति नहीं है। हम लोग क्या करते थे, 2-3 उदाहरण दे दूं, ये विषय अपने आप में लंबा है, पर 2-3 उदाहरण दे दूं ताकि मेरी बात का समर्थन हो सके। हमारे यहाँ नियम है, घर में आइए जूते बाहर खोलिए, घर में घुसते ही जल से हाथ और पैर धोइए, कोई भी काम करें एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू करें, इसके बीच में अपने हाथ जल से धो करके स्वच्छ कीजिए। आज साबुन की बात होती है पर जल से हाथ धोना चाहिए, ये तो हमारा नियम है, हमेशा हम करते थे। भोजन करने के पहले हाथ धोइए, भगवत स्मरण कीजिए। और हम लोग, मैं तो नहीं कर पाता, या मैं क्या कहूँ, ये मेरा दोष नहीं कहूँगा, मेरे माता पिता को मैंने देखा, मेरे दादा दादी को मैंने देखा है, भोजन करेंगे 1 ग्रास गौ माता के लिए और 1 ग्रास कुत्ते के लिए, निकालते थे तब भोजन करने बैठते थे। तो हमारे भोजन में पशु भी समान रूप से साझीदार है। ये हमारे भोजन के माध्यम से हमारे चिंतन में रक्त के माध्यम से प्रवेश करता है, इसलिए पशुओं प्रति क्रूर हम हो नहीं सकते। तो भारतीय जीवन पद्धति जो रही है उसमें प्रत्येक समस्या का समाधान है, और ये संपूर्ण विश्व भारतीय जीवन पद्धति का अनुकरण कर ले तो इन सभी से हम विमुक्त हो सकते हैं। और कुछ गलतफहमी हमारी दूर हो गई। अब तक हम ये समझते थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं,
जैसे अखबार तो आना ही चाहिए, सुबह उठते अखबार चाहिए। बीच में खबर चली थी कि अखबार के जरिए भी कोरोना के वायरस आ सकते हैं, तो अखबार बंद हो गया। एक महीने से हमारे यहाँ कोई अखबार नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, काम चल रहा है, अखबार बंद हो गया। सेल का विज्ञापन कहीं भी आ जाए जरा सा, ये सेल लगी है, हम लोग और विशेषकर महिलाएं भाग के जाती थी, अरे भाई सस्ती चीज मिल रही चलो ले आए, जरूरत है या नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर 25% 35% और फिर बड़ी एक्साइटेड, अरे वो तो 50% डिस्काउंट हो गया। ये मालूम नहीं है कि 300 की चीज 3000 में बिकती थी, 50% डिस्काउंट के बाद ये 1500 मिल रही है, 1200 का मुनाफा का तो दुकानदार का भी है, वो पागल नहीं है, उसे अपना दीवारा निकालना है। पर सेल का एडवर्टाइजमेंट आया, हमें बाजार भागना है। घर का इतना स्वादिष्ट भोजन खाते हुए भी वीक में, अरे भाई आज तो वीक एंड में तो चलो आज अपन बाजार खाना खाने कहीं चलते हैं, बाहर का खाना खाएंगे या कुछ न कुछ बाजार से मंगवा करके खाएंगे। अरे भाई अमुक की कचौड़ी बड़ी अच्छी होती है, अमुक का समोसा बड़ा अच्छा होता है, अमुक का पिज्जा बड़ा अच्छा होता है, मैकडोनल्ड का पिज्जा बर्गर बाहर से मंगवा करके खाएंगे। सिनेमा जाना बंद हो गया, कोई सिनेमा जाता नहीं, बाहर की चीज मंगवाता नहीं है, सिनेमा कोई जाता नहीं, मॉल कोई नहीं जाता। किसी मॉल में चले जाइए भरा होता था, चलते थे तो कंधे से कंधा टकराता था, क्या हुआ अब बिना मॉल के भी हमारा काम चल रहा है, बिना सिनेमा के भी हमारा काम चल रहा है, बिना अखबार के भी काम चल रहा है, हम सेल में कुछ नहीं खरीद रहे तो भी हमारा काम चल रहा है। कुछ संकेत और मिल रहे हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना पड़ेगा। आने वाले समय में जीवन पद्धति बहुत बदल जाने वाली है। पोस्ट कोरोना द लाइफ द वर्ल्ड एंड द पर्संस पीपल will not be the same as they have been pre-corona. व्यक्ति बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, व्यापार व्यवसाय के तौर तरीके बदल जाएंगे, राजनीति कूटनीति बदल जाएगी, व्यापार करने के तरीके बदल जाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉमर्स ऐसी चुनौतियां खड़ी करेगा जिसके समाधान निकाल पाना कठिन होगा। ऐसा समय आने वाला है, हमें इसके लिए तैयार रहना है। देखिए एक एक हमारी जीवन पद्धति कैसे बदलेगी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, ये भी विषय थोड़ा सा लंबा है पर मैं सोचता रहता हूँ, विषय कुछ लंबा है पर मैं उदाहरण देता हूँ। आपके यहाँ पार्ट टाइम मेड सर्वेंट आती है, चार जगह काम करती है, सस्ती पड़ती है, वो बेचारी चार जगह काम करती है, आपसी भी पार्ट टाइम लेती है पैसा, आपके यहाँ झाड़ू पोछा किया उसने अथवा कपड़े धोए अथवा बर्तन धोए और चली गई पार्ट टाइम। ये पार्ट टाइम मेड सर्वेंट का कंसेप्ट खत्म हो गया। कोई मेड सर्वेंट जो चार जगह होकर के आई है उसे हम अपने घर में नहीं आने देना चाहेंगे। केवल या तो हम डोमेस्टिक हेल्प रखेंगे ही नहीं, घर के लोग ही घर का काम करेंगे, और डोमेस्टिक हेल्प यदि हम रखेंगे भी तो उसे हमें अपने घर में घर के मेंबर की तरह रखना होगा। वो डोमेस्टिक हेल्प वही खाएगी जो हम खाएंगे, वही पहनेगी जैसा हम पहनते हैं, और उसी तरह रहेगी जिस तरह हम रहते हैं। तब तो उस डोमेस्टिक हेल्प का हमारे घर में उसकी सेवा करना का साहस हम कर सकेंगे बिना किसी संदेह के। किंतु यदि वो मेड सर्वेंट हर दिन बाहर से आती है तो अब वो मेड सर्वेंट खतरे की घंटी है। ऐसा और अब देखिए, पहले तीन सुझाव आपको, इस सुझाव किसी ने नहीं दिए होंगे, मैं दे रहा हूं और बड़े साहस और आत्मविश्वास साथ दे रहा हूं। सबसे पहला सुझाव, यदि आपको कोरोना जैसी विपत्तियों से निपटना है तो सबसे पहला जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा।
अब जनसंख्या पर नियंत्रण की बात तो कई लोग कहते हैं कैसे किया जाएगा, हमारे देश में प्रजातंत्र है तो ये ऐसे किया जाए कि परिवार में दो या तीन जैसा उचित लगे, जैसा संसद उचित समझे, उतने बच्चों की सीमा निर्धारित कर दी जाए। दो या तीन बच्चे होंगे तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी और जितनी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। पर दो या तीन से अधिक हो गए, समझ लीजिए दो की सीमा लगाई, तीन हो गए तो आपको कुछ अयोग्यताएं आ जाएंगी, जैसे आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, राशन की दुकान से बाजार से खरीदिए क्योंकि तीन बच्चे हैं, यदि दो की सीमा है। और सबसे क्रांतिकारी सुझाव जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि यदि तीन की सीमा लांघ ली तो आपको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? अब हेलो, क्या आप मुझे? हाँ जी, आ रही है बहुत अच्छे से जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तीन की सीमा लांघने पर यदि किसी दंपत्ति को चौथा बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, न तो वो कोई चुनाव लड़ सकेगा, ना कोई सार्वजनिक पद धारण कर सकेगा और ना ही मतदान कर सकेगा। और मैं थोड़ा बहुत जितना कानून का मुझे ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूं कि यदि ऐसा कानून बनाया गया तो सर्वथा संविधान सम्मत होगा, उसमें संविधान कहीं आड़े नहीं आता। इसलिए अब आपके जो जो जनप्रतिनिधि हैं आपके अपने अपने प्रदेश में, उनसे आप ये कहिए और उन पर ये दबाव बनाइए कि संसद से जल्दी वो ये विधान पारित कराए। और अभी अगला चुनाव होने में 4 वर्ष की देर है, अभी समय है जब ये विधान पारित हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हमने जनसंख्या का नियंत्रण कर लिया और ये रोक लगा दी कि तीन बच्चों से अधिक का जन्म होने पर वो दंपत्ति मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएगा तो कितनी समस्याओं का इलाज होगा। गरीबी मिट जाएगी, जहालत, अशिक्षा, अज्ञान मिट जाएगा, प्रकृति के साधनों का समुचित उपयोग होगा, प्रकृति की जो साधन है सबके हिस्से में बराबर बराबर आएंगे। कारण यह है द नेचर हैज इनफ टू सेटिस्फाई अवर नीड बट नॉट अवर ग्रीड। हमारी जरूरत पूरा करने के लिए प्रकृति तत्पर है पर हमारे लालच का उत्तर प्रकृति के पास नहीं है। तो अपने अपने प्रदेश के MLA, MP और जनप्रतिनिधियों पर आप ये दबाव बनाइए और कम से कम एक विशेष राजनीतिक दल जहां केंद्र में और प्रदेशों में जहां जहां शासन में है उसे तो इस प्रकार का विधान अपने आप बनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हरियाणा में ऐसा विधान है जहां जहां प्रत्याशी उम्मीदवार तो नहीं हो सकता परंतु मतदान की पात्रता उसको अभी भी है, पर उससे मतदान का अधिकार भी तीन से अधिक बच्चे हो जाने पर ले लिया जाना चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं। और अब कुछ और बातें हो सकती हैं पर मैं थोड़ा सा एक दो बातें और अपना सुझाव देने के लिए कि IT का एक तो मानसार छोड़ दें, मैंने उस समय भी कहा अभी फिर दोबारा कह रहा हूं, IT का प्रयोग करें। और जैसे हमारे यहाँ अभी युवा वर्ग में परिचय ले रहा था, दो डॉक्टर हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। एक आपको याद होगा कि जिस समय शिक्षा का प्रसार प्रसार हो रहा था तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। हमारे समाज को एडल्ट एजुकेशन इन IT ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। और
जो प्रौढ़ उम्र में पहुंच गए हैं या इससे आगे बढ़ गए हैं, जिनमें एक स्वाभाविक रिलक्टेंस आ जाती है, नकारात्मक आ जाता है कि हम तो ये लैपटॉप और अब ये आईफोन वगैरह अब तो हम सीख ही नहीं सकते, उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके अभाव में आपके विचारों का आदान प्रदान समाप्त हो जाएगा। हमारी महर्षि महासभा का उदाहरण, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। महर्षि महासभा ने हमारे श्याम जी सोनी के नेतृत्व में एक डाटा बैंक तैयार किया है। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, उसका उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने समाज का एक डाटा बैंक बनाया, पर उसमें क्या हुआ है कि परिवारों का रजिस्ट्रेशन तो हुआ, पर उन्होंने जो जानकारी मांगी थी वो हमारे समाज के सदस्यों ने पूरी पूरी नहीं दी। उदाहरण के लिए उन्होंने अपना ब्लड ग्रुप नहीं बताया, उन्होंने अपना एज ग्रुप नहीं बताया, उन्होंने अपनी आय की जानकारी नहीं दी। इसका परिणाम क्या हुआ कि आज हमारे समाज के केंद्रीय नेतृत्व ये डाटा कंपाइल नहीं कर सकता कि यदि ब्लड ग्रुप की जानकारी हो तो हम एक कलेक्टिव इंश्योरेंस समाज के सदस्यों का कर सकते हैं। एज ग्रुप की जानकारी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के एज ग्रुप, बच्चे, किशोर, युवक युवती, प्रौढ़ और बुजुर्ग, इनके लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जैसे आज चल रहे हैं ये प्रसारित किए जा सकते हैं। समाज के ऐसे वर्ग जो इतने साधन संपन्न नहीं हैं, उनकी जानकारी मिल जाए तो आज हम लोग एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं। सोसाइटी बनाई जा सकती है, शासन से जमीन लेकर के महेश नगर की तरह पर सोसाइटी बना करके हमारे समाज के सभी सदस्यों के, जिनका अपना घर नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था की जा सकती है। तो जो आज भी कुछ देर नहीं हुई है, जो डाटा बैंक बनाने के लिए जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी आप अब भी दे सकते हैं। बंधुओं, आपने मुझे लगभग 40-45 मिनट आपने मुझे सुन लिया है, एक दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कोरोना तो बीत जाएगा और मैंने आपको कारण सहित लॉजिकली बताया है कि कोरोना निकल जाएगा और हमारा कम से कम नुकसान होगा। हमें बिल्कुल चिंतित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें तैयारी जो करना है वो ये करना है कि जब कोरोना बीत जाएगा, लॉकडाउन का समय समाप्त हो जाएगा और जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि कोरोना के समय में जब हम अपने अपने घरों में बंद थे, फोर्स्ड हॉलीडे या फोर्स्ड वेकेशन पर थे, तब हमने क्या किया? क्या हमने समय को सिर्फ गंवाया, व्यर्थ, आराम और मनोरंजन, बस दो ही बातें, खाना पीना, महिलाएं काम कर रही हैं उनको आधे, अब हमको ये बना दो, अब हमको ये बना दो, इसी में पूरा समय बता दिया, या हमने समय का उपयोग किया, उपयोग से आगे बढ़े सदुपयोग किया, सदुपयोग से आगे बढ़े तो हमने समय में विनियोग किया, जिसकी रिटर्न हम आने वाले। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, इस समय उन्हें प्रशिक्षण लेना चाहिए कि जब काम करने बाहर जाएं तो दोनों काम करें। अब तो वर्क फ्रॉम होम होगा, इसके बाद जब भोजन व्यवस्था हो तो पति पत्नी दोनों ही भोजन की व्यवस्था भी करें, उसमें भी हाथ बटाएं। ऐसा प्रशिक्षण हमको लेना होगा, कोई संकोच हो तो उसको दूर करना होगा। बड़े घर का समय अब चला गया, लोग बड़े घरों में जाने से परहेज करेंगे। आपके घर में सोफा है, पर्दे टंगे हैं, कारपेट बिछे हैं, ये सब कीटाणु वायरस का स्थान होते हैं यदि इनकी प्रतिदिन सफाई न की जाए। इसलिए अब छोटे घर होंगे उतने ही जितने की गृहिणी या परिवार के सदस्य बच्चे मिलकर के सफाई प्रतिदिन कर ले सकते हैं, अन्यथा बड़े घरों में अब कोई आएगा नहीं। और अंतिम बात, हमें विचार करना है कि कभी ये एपिडेमिक, ईश्वर ना करे ऐसी एपिडेमिक या इससे बड़ी एंडेमिक कभी दोबारा आई तो क्या उसके लिए हमारी तत्परता है? We have been taken unawares
एकाएक प्रोनाउंस हुआ कि कोरोना वायरस आ गया है। ये कोरोना वायरस दस्तक दे करके नहीं आता, नोटिस दे करके नहीं आता, ये तो बस आ जाता है। तो यदि कभी दोबारा आया तो उसके लिए हमारी तत्परता। आपने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना, विषय लंबा है और इस विषय पर जितनी भी चर्चा की जाए कम है, किंतु मोटे मोटे तौर पर मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। इतने लंबे समय तक आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यदि किसी विषय पर मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ तो आप यदि कोई प्रश्न पूछेंगे, और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, कंपेयरर हैं, जो इस कार्यक्रम का नियंत्रण कर रहे हैं, वो यदि अनुमति देंगे तो मुझे आपका प्रश्न सुनने में और उसका उत्तर देने में प्रसन्नता की अनुभूति होगी। जय महेश, नमस्कार। धन्यवाद अंकल जी। इतिहास में हमने पढ़ा है कि राजा न्याय व्यवस्था संभालते थे। जहां कोई चिंतित व्यक्ति अपनी व्यथा लेके आते तो राजा उस पर चिंतन कर उस पर अपना न्याय सुनाते। आज हमारे सामने हमारी न्याय व्यवस्था के उच्चतम स्थान की पूर्ति करने वाले व्यक्ति को हम देख रहे हैं। आपने हमेशा ही लोगों की चिंतापूर्ण व्यथा पर चिंतन कर समाधान दिया है। ऐसे ही आज हमारे श्रोता आपके सामने इसी गहन स्थिति में अपने चिंतापूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप इस पर चिंतन करके फिर से प्लीज उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहला सवाल पवन जी चांडक, इन्होंने दिया है कि अपने व्यवसाय और हमारे जॉब से लेके हम काफी चिंतित हैं, तो युवाओं को आत्मविश्वास मिले और आगे बढ़े, इसलिए आप कुछ बताएंगे युवाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? बड़ी सरल सीधी बात है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्री कोरोना पीरियड में जैसी जॉब मिला करती थी और जैसी जॉब हम किया करते थे वैसा ही पोस्ट कोरोना चलता रहेगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। पहली बात तो ये है, अनेक व्यवसाय तो ऐसे हैं कि जो अब निरर्थक हो गए। उदाहरण के लिए देखिए, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, इवेंट मैनेजर, बड़े बड़े पेंडॉल हॉल जो शामियाने वाले जो बनाया करते थे, ये ऐसे और ऐसे ही प्रकार के अनेक उद्योग आने वाले समय में निरर्थक हो जाएंगे। बड़े बड़े भवन लोगों ने बना रखे थे कि यहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज होंगी, बड़ी बड़ी शादियाँ होंगी, ऐसी बरातें आएंगी जिनमें 200-200-500 लोग होंगे, ये सब अब इरेलीवेंट, अप्रासंगिक हो जाने वाला है। अब हमको ऐसे उद्योगों, ऐसे व्यवसायों की परिकल्पना करनी चाहिए, सोचना चाहिए, जो कि आने वाले समय में चलेंगे और जिनकी तैयारी हमारे समाज के जो विद्वान लोग हैं, चिंतक हैं, वो सोच सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो टीचर है, टीचिंग जॉब में है, वो डिस्टेंट लर्निंग का प्रोग्राम शुरू करें। पहले बच्चे ट्यूशन के लिए घर पढ़ने आते थे, अब आप डिस्टेंट लर्निंग से उनको एजुकेशन दीजिए। इसी प्रकार आप मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कीजिए, जैसे आज ये हो रही है ऑर्गेनाइज। आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, आप अपने घर पर रहिए, हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। आप ऐसे प्रशिक्षित युवाओं, किशोरों को रख सकते हैं, जैसे मैं हूं, मुझे बहुत अधिक नहीं आता इसके विषय में, तो यदि मुझे पता है कि आज मुझे किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जूम कॉन्फ्रेंस में, लाइव टेलीकास्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं किसी बच्चे को अपने पास बैठा कर रखूंगा, वो मुझे गाइड करेगी और मैं अपना काम कर सकूंगा, उसका जो उचित पारिश्रमिक है उसे मिलेगा। तो इस प्रकार से जो अब आने वाले समय में व्यवसाय और व्यापार के तौर तरीके बदल जाएंगे, और हमें इस पर गहनता के साथ विचार करके वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करना होगा। ये मार्गदर्शन करने के लिए मैं उचित व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि अब पुराने तरीकों से कोई व्यापार व्यवसाय आगे चलने वाला नहीं है, और हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। जी अंकल,
अंकल जी, अगला सवाल हमें पूछा है मनीष जी दागड़िया, इन्होंने वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि हमारी भारतीय व्यवस्था में, हमारे परंपरा धर्म में अनेक प्रश्नों के उत्तर है। ऐसी स्थिति में ऐसी कोई मौलिक बातें हैं जो आपने महसूस की है, जो हमारी धर्म और परंपरा में है, आप सोचते हैं कि आपके अनुभव से ये हमें मार्गदर्शक होंगी, तो ऐसी कोई बात आप बता सकते हैं? निसंदेह है। देखिए, इस पर मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि भारतीय जीवन पद्धति विश्व में श्रेष्ठतम है, ये जीवन पद्धति हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि और महर्षियों ने हमें सौंपी है। मैंने और मैं मानता हूं इस बात को, मैं आज फिर कहता हूं, बीच का 700 वर्ष का समय ऐसा रहा है जिसने हमारी परंपराओं, हमारे धर्म से हमें तोड़ दिया, और हमारी गलती यह है कि हम उससे दोबारा नहीं जुड़े। जिसने तोड़ दिया, पर हमें वापस जुड़ने से तो किसी ने नहीं रोका था, पर हम नहीं जुड़े, हमने अपना छोड़ दिया और हम पश्चिम की तरफ दौड़ लगाने लगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आज विज्ञान अनेक प्रयोग करता है। एक उदाहरण आपको दे दूं कि विज्ञान ने खोज की के नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं जो आकाशमंडल में घूमते रहते हैं। विज्ञान ने कितने प्रयत्न वाला खोज किए। हमारे वेदों में आज से 5 और 10 हजार पूर्व नवग्रह का उल्लेख है। उन्हें कैसे पता चलता था? वो प्रयोग नहीं करते थे, वो अपनी प्रज्ञा को विकसित करते थे, अपने आत्मज्ञान को विकसित करते थे, और इसलिए बिना प्रयोग किए उन्हें अनेक ऐसी चीजों का आभास हो जाता था जो विज्ञान प्रयोग करने के बाद भी पता नहीं लगा पाता। इसलिए पहली बात तो ये कि हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे जो वेद और पुराण के सिद्धांत हैं, उसमें से जो मिलावट हो गई उसे हम अलग कर दें, तो इससे ज्यादा वैज्ञानिक ग्रंथ विश्व भर में कहीं नहीं है। अभी एक शोध हुई, मेरे पास एक पुस्तक है जो नवीनतम 38 विज्ञान है, 38 विज्ञान नवीनतम, इन सब का उल्लेख हमारे वेद और पुराणों में मिलता है। अनेक वर्षों पूर्व ब्लैक होल का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। वो एक कौन सी एक साउंड होती है, साउंड, उसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। ये सारे वैज्ञानिक, आज जो विज्ञान विकसित हो रहे हैं, इस विज्ञान का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। मैं सब युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप वेद और पुराण तक अभी मत जाइए, परंतु आप उपनिषदों का अध्ययन कीजिए। ये उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं, और जितने माता पिता मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संस्कृत सिखाइए। संस्कृत इज द की टू अनलॉक द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। जिस दिन आपका बालक बालिका संस्कृत सीख जाएगी तो उसके सामने ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। इसलिए उन्हें संस्कृत सिखाइए, और परिवार में सभी को उपनिषद पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। उपनिषदों में अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, उनका अध्ययन कीजिए। आप खुद ही विश्वस्त हो जाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ सार है, और ये सारे उपनिषद हमारे विज्ञान का। तो हमारे धर्म के विषय में ये कहना चाहता हूं, एक धर्म होता है जिसमें दर्शन शास्त्र होता है, सिद्धांत होते हैं। एक धर्म का दूसरा अंश होता है जिसमें कर्म कांड होता है। कर्म कांड का आप पालन करें न करें उसका मैं आग्रह नहीं करता, किंतु हमारे वैदिक पौराणिक साहित्य का आप अध्ययन करें का मैं अवश्य आग्रह करना चाहता हूं। रामायण का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए, उपनिषद का अध्ययन कीजिए, और आपको 15 दिन में ही चमत्कार अनुभव होगा। आप इतने उच्च पद पर पहुंचे,
तो आपके अभ्यास वृत्ति ने आपको वहां तक पहुंचाया होगा, इतनी सारी किताबें भी हम आपके इर्द गिर्द देख रहे हैं। तो एक प्रश्न श्रीकांत जी तापड़िया इनका आया है कि किसी भी समय अभ्यास में सहायता हो इसके लिए हम मनन और चिंतन पूरी तरह से अच्छे उपायकारक पद्धति से कैसे करें। हर एक सारी किताब नहीं पढ़ सकता, ये जो मेरे पीछे पुस्तक रखी हुई आपको दिख रही है इसमें कुछ पुस्तकें ऐसी जिनको मैंने पढ़ा है कवर टू कवर, कुछ पुस्तकें केवल रेफरेंस बुक हैं, आवश्यकता होने पर मैं उनको रेफर करता हूँ। इनका उत्तर देने के लिए मैं ये कहूँगा, हमारे पूर्वजों ने हमको एक पद्धति बनाकर दी कि सुबह उठ करके स्नान करके शरीर मन को शुद्ध करके पूजा पाठ करिए। देखिए शब्द पर जरा गौर कीजिए, मैंने मारवाड़ी मंच के कार्यक्रम में इस पर थोड़ा विस्तार से कहा है, यहां मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं आपसे। घर घर में मंदिर होने की महत्ता मैंने उस कार्यक्रम में बताई थी, वो आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। हमारे यहाँ पूजा पाठ बीच में डैश लगा हुआ जोड़ दिया गया, अर्थात क्या, भगवान के सामने बैठिए, पूजन करिए, प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, पर पाठ भी करिए। जब तक आपने पाठ नहीं किया आपकी पूजा पूरी नहीं होती। पाठ का आशय क्या, पाठ का आशय ये रामायण गीता या कोई भी सदग्रंथ जिसे हम धार्मिक पुस्तक कहते हैं लूजली सरल भाषा में, उसे पढ़िए। जब उसे पढ़ लेंगे, एक मंत्र पढ़ लीजिए, जब तक आप वो नहीं करेंगे आपकी पूजा पूरी होती नहीं। पूजा करिए, पाठ करिए, तब वहां से उठिए, फिर दिन भर की दिनचर्या में लगिए। अब आज के समय में मैं आपसे ये कहूंगा कि आज के समय में बहुत अच्छा साहित्य उपलब्ध है, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अच्छा साहित्य बाजार में आ रहा है, आप इसे प्राप्त करिए। ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके लैपटॉप में, किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, आप इसे पढ़िए सुबह का या शाम का 15 मिनट का समय कर लीजिए। मैं अधिक के लिए आपसे कहते ही नहीं, 15 मिनट, केवल 15 मिनट का समय अपनी एक अच्छी पुस्तक को पढ़ने के लिए दीजिए, सुबह दीजिए, शाम दीजिए। कोई कह सकते हैं कि हम तो बहुत व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन का समय तय कर लीजिए। एक हफ्ते में एक दिन ठंड के मौसम में आराम कुर्सी पर धूप में मुझे लेट कर बैठ जाना है और मुझे एक घंटा एक अच्छी पुस्तक पढ़ना है, और पढ़िए, बस 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। और यदि इस प्रकार आपने प्रारंभ कर दिया तो आपका स्वाध्याय की दिशा में आपका मार्ग खुल जाएगा, पथ प्रशस्त हो जाएगा। किताबें आप चुनिए, आप तो आपका हर पुस्तक के रिव्यू आते हैं, पढ़िए, अच्छी पुस्तक का चयन कीजिए, और हो सकेगा तो मैं भी आप उसमें सहायता कर सकता हूँ। सर जी, हमारे सभी के चहेते डॉक्टर कलाम सर जी से भी आपका काफी समय उनके साथ आपने बिताया है, तो संजय जी मोदानी इनका एक प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम सर ने एक सपना देखा था कि 2020 में भारत सुपर पावर बन जाएगा, और आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि मानो हम उस सपने से थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम करें ताकि हमारी ऊर्जा हम बनाए रखे और उस सपने की ओर अग्रसर हो हम। कलाम साहब ने जो सपना देखा था बिल्कुल सही देखा था। दुर्भाग्य से कलाम साहब पुनः राष्ट्रपति नहीं बने, इसके कारण अब सब जानते हैं, उस राजनीति की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, और अब कलाम साहब हमारे बीच रहे नहीं, पर कलाम साहब के विचार आज भी हमारे बीच मौजूद हैं ऑडियो सीडी कैसेट्स के माध्यम से और उनकी पुस्तकों के माध्यम से। अब आप कहेंगे कलाम साहब का सपना था कि 2020 में हमारा भारत एक विश्व शक्ति बन जाएगा, बड़ी ताकत बन जाएगा, बन जाता, पर मैं को उदाहरण देकर के आपसे उत्तर आपसे मांगता हूं। समझिए कि हम किसी स्टेशन पर खड़े हैं जहां बंबई और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनें आती हैं, हमने दिल्ली जाना है,
और हमने टिकट खरीद लिया बंबई का और बंबई जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए, तो क्या हम दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे। जब कलाम साहब की बताई हुई दिशा में हम चलना नहीं चाहते, कलाम साहब के बताए हुए विचारों पर काम पालन नहीं करना चाहते, तो फिर कलाम साहब का सपना साकार कैसे होगा? गलती कलाम साहब की नहीं है, हमारी। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज भी मैं नहीं चाहता कि कोरोना का समय और लॉकडाउन और बढ़े, जितना जल्दी निजात पाए अच्छा है, पर 4 दिन तो अब भी शेष हैं और नॉर्मलसी रेस्टोर होने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 3 मई को लॉकडाउन लिफ्ट हो गया तो 4 मई को हम दौड़ लगाना शुरू कर, मत लगाइए दौड़, धीरे धीरे दबे पांव निकलिए, चलना शुरू करिए। ये समय जो आपको मिलेगा इसमें आप चिंतन कीजिए कि कलाम साहब के बताए हुए विचारों का हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं, और हमने यदि व्यक्तिगत जीवन में उनके विचारों को उतार लिया तो ये देश हमारा समृद्ध हो जाएगा। आचार्य श्रीराम शर्मा की बात याद रखिए कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अंत में और एक लास्ट प्रश्न हम लेंगे, जो हनुमान दास जी मंत्री, इन्होंने पूछा है कि आपके इतने लंबे करियर में प्राप्त कुछ अनुभव, जिससे आप हमें कोई ऐसा संदेश दे जिससे हमारे युवाओं को अपनी चिंता त्यागने में उनको सक्षमता महसूस हो और आसानी हो। संदेश यदि आप चाहते हैं तो मेरे जीवन का समग्र सार थोड़े से शब्दों में आपके सामने रखूं। सबसे पहली शर्त तो मेरी यह है, आपको सफलता मिल नहीं सकती यदि ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद और मित्रों की शुभकामनाएं आपके साथ नहीं है। आप कितने भी विद्वान हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, अक्लमंद हों, कितने भी मेहनती हों, परिश्रमी हों, पर आपकी योग्यता, आपका परिश्रम ये तब परिणाम देता है जब ईश्वर की कृपा होती है और बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ होता है। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, और ये प्रश्न मैंने किया, और मुझे तो प्रश्न करने की आवश्यकता मिली नहीं कि मेरे तो परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं कि ईश्वर हमारे ऊपर सदैव अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा रखता है। हम प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से वे हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि हमारा मन कलुषित है तो आशीर्वाद भी कलुषित होगा, हमारा मन शुद्ध है, विनम्र है, तो आशीर्वाद भी उतना फलीभूत होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सत्य व्रत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपनी चौपाई में लिखा है, सत्य के मार्ग पर चलिए। प्रत्येक न्यायाधीश को जब वो पदभार ग्रहण करता है तो एक शपथ दी जाती है। जब मैंने शपथ ली थी तो जिन लोगों ने मेरे शपथ ग्रहण का दूरदर्शन पर प्रसारण देखा होगा, उन्हें ये देखा होगा कि मुझे एक कागज दिया गया था जिसमें शपथ छपी हुई थी। कलाम साहब शपथ पढ़ रहे थे और मुझे कागज देख करके शपथ दोहराना थी। मैंने उस कागज को अपने दोनों हाथ पीछे करके कागज वहां कर लिया था और मैं शपथ अपनी याददाश्त से दोहरा रहा था। मैंने निश्चय किया था कि जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं उस पद की मर्यादा इस शपथ में परिभाषित है, इसलिए शपथ मुझे कंठाग्र होनी चाहिए। इसलिए शपथ मैंने मुख जबानी ली थी, मैंने कोई कागज पढ़कर शपथ नहीं ली थी। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर मेरा उदाहरण है तो उसकी सत्यता प्रमाणिक है। इसलिए आपके प्रश्न को उत्तर में मैं बांटना चाहता हूं, सत्यनिष्ठ रहिए, अपने मार्ग से विचलित मत होइए, अपने देश और परिवार के धर्म और परंपराओं का पालन कीजिए, ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी और बड़ों का आशीर्वाद प्रणाम करके प्रतिदिन रहिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर,
हमारे सारे श्रोता आपके सारे मार्गदर्शन की बातें सुनकर उस पर चिंतन कर कर इस चिंतापूर्ण स्थिति से जल्दी निकलेंगे ऐसा हम आशा करते हैं। और अभी आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे मित्र गोविंद जी मंत्री इनको बुलाना चाहूंगा। आप आभार प्रदर्शन कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, मैं रिकॉर्ड नहीं बनूंगा। पर मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सोनी जी ने जब मुझसे कहा कि मुझे समाज के प्रबुद्ध वर्ग को खासकर युवाओं को संबोधित करना है, तो मैंने जो थोड़ी सी तैयारी की थी उसका भार मेरे मस्तक पर था, किसी तरह से उससे मुक्त हुआ हूं। अब आभार दर्शन करके पुनः मेरा भार मत बढ़ाइए, फिर भी आपको आभार प्रदर्शन करना जरूर कीजिए। हेलो, गोविंद मंत्री हमारे सभा पधारे से कार्यक्रम को लेकर आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हार्दिक भैया मैं करता हूँ जी। सभी को सादर प्रणाम। बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम हरदम काम कर रहे हैं और आपका आज का जो हमें बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कुछ नहीं मिलता, जो रामायण में कहा है, जो मेघनाथ ने रावण को भी कहा कि पिता की मैं आज्ञा पूरी करूंगा, आप कुछ भी हो पिता की आज्ञा जरूरी है। हम बहुत छोटे हैं, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। और अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी महासभा आदरणीय श्याम जी सोनी के माध्यम से आप यहाँ पे आज पधारे, श्याम जी सोनी अंकल का प्रणाम धन्यवाद। और भविष्य में महाराष्ट्र प्रदेश और अखिल भारतीय युवा संगठन को जब जब मदद लगेगी, जब जब मार्गदर्शन की जरूरत लगेगी, आप जरूर पधारेंगे, यही आशा करते हुए धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसी के साथ मैं मीटिंग समाप्ति की घोषणा करता हूं, धन्यवाद।